अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग को पता है यार, कल मैं व्लॉग नहीं डाल सका था क्योंकि भाई मेरी तबीयत खराब थी और मैं दादी के भी चले गया था, इसी वजह से मैं डाल नहीं सका था व्लॉग। और दादी का यार प्राइवेसी होती है, पप्पा वगैरह आई हुई थी, इसलिए मैंने बनाया भी नहीं फिर। तो इसलिए स्कूल खुलने वाले हैं मंडे से, तो कॉपियों में कवर वगैरह चढ़ाना है। ये नहीं कॉपीज, बुक्स पे चढ़ा हुआ है, बस कॉपीज पे चढ़ाना है मुझे। तो इसलिए अभी कॉपीज पे कवर चढ़ा लें, उसके बाद मिलते हैं। A few inches later. तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था यार, अभी हम लोग बना के फारिग हो चुके हैं, कॉपीज पे कवर वगैरह चढ़ा लिया, अभी हम लोग फारिग हैं। अभी हमारे कुछ कजन आए हुए हैं, उनसे मैं आप लोग को मिलवाता हूँ। तो अभी चलते हैं भाई, उनसे पूछते हैं। ये रहे हमारे पहले कजन, क्या कर रहे हो उसने? खड़े हुए हो? अच्छा, व्हाट इज योर नेम? अच्छा, ये बेल्ट के साथ क्या कर रहे हो आप? खेल रहे हो? और ये मेरे दूसरे कजन है, ये अभी मेरे बड़े भाई है ना, जो जिनको ब्लॉग में दिखाया था मैंने कि वो मैं अभी उनको पढ़ा रहे हैं। तो अभी एक और कजन है मेरी, वो भी यहाँ पर है, उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। जो मेरी एक और कजन थी वो ये रही। क्या कर रही हो जवेरिया? अबे साले, मैंने क्या देख रही हो? मेरा ब्लॉग देख रही है भाई ये। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो गाइस अभी हम लोग आए हुए थे बाहर क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, जिससे मैंने आप लोग को बताया था। तो अभी मेरा थोड़ा दिल घबरा रहा था, इसलिए हम आउटिंग पे आए हुए, मेरे पापा के साथ आए थे। तो हम थोड़ा सा बाहर घूमते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो भाई तुम लोग अभी देख सकते हो, हम लोग बाहर आए हुए। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था यार, अभी हम लोग बाहर आए हुए आउटिंग के ऊपर, और आज हैप्पी न्यू ईयर की रात है। तो 5 स्टार के ऊपर अभी हम लोग जब आ रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा रश था, क्योंकि 5 स्टार नीचे हम लोग पुल के ऊपर से आए, इतना रश था 5 स्टार के पुल पे भी। नीचे फंक्शन होता है, क्या होता है वो मुझे नहीं पता। बहरहाल तो अभी ये ग्रीन लाइन के अभी ये कम्प्लीट हुआ है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा अच्छा बना दिया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने। और यहाँ पर हॉल वगैरह भी लाइन से चल रहे थे, हॉल भी इतने प्यारे बने हुए, लग्जरी। अब पाकिस्तान हमारा अच्छा हो चुका है। और अब ये देखो सामने ये मॉल है इतना बड़ा, माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है अब। तो ये रहा ग्रीन बस का ऑफिस, बहुत प्यारा इन्होंने डिज़ाइन दिया, जैसे कि हम बाहर मुल्क में आ गए हों, बाहर ममालिकों में। बहुत अच्छा इन्होंने बना दिया यहाँ पर। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि आप यहाँ से आराम से सदर से केडी आ सकते हो, आप जहाँ जाना चाहो यहाँ से जा सकते हो, 50 रुपये में यहाँ से जा सकते हो। और दूसरी बात तो ये है कि रेड लाइन, एक रेड बस भी बहुत अच्छी है, अगर आप यहाँ से बैठकर कोरंगी तक, डिफेंस तक, वो आपको लेकर जाएगी सिर्फ 50 रुपये में। और तीसरी बात ये है, उसके अंदर AC भी है और साथ ही साथ वाईफाई फ्री है। ये बहुत अच्छा बना दिया हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, इससे बहुत सारी सहूलतें हमें मिल गई हैं। चिंची और जितने भी रक्षे हैं इनको सबको छोड़ो, और W11 को भी छोड़ो। अब आप ग्रीन बस और रेड बस के ऊपर फोकस रखो, बहुत बेस्ट है ये सर्विस, बहुत अच्छी है, इंजॉय करो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, हम लोग बाहर गए हुए थे, अभी बाहर से आउटिंग करके हम लोग वापस आ चुके हैं। हैप्पी न्यू ईयर बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को भाई। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बात कहना चाहूंगा यार, जो लोग हैप्पी न्यू ईयर पे 12 बजने के बाद पटाखे बजाते हैं, पटाखे फाड़ते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो ना करो। आप लोग को एक नई जिंदगी मिलती है, और दूसरी बात है कि शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर मुबारक होता है यार। 23 का महीना आप लोग को मुबारक हो। भाई व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे मिलवाने वाला हूँ ट्विन सिस्टर से। हाँ। एक तो सोरी है और एक ये रही, क्या नाम है आपका? मोती श्याम। ये है मोती श्याम, ये मेरी दोनों मामू की बेटी है, एक सोरी है और एक इरी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर दो, अल्लाह हाफिज। Thank you.